नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको हिल्टी मशीन का रिव्यू करके दिखाऊंगा, तो कंप्लीट जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए शुरू से लास्ट तक। और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए। इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग की जानकारी दोस्तों आपको मेरे चैनल टेक्निकल सोनू टेक पर मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल की जानकारी दोस्तों मेरे नए चैनल सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी वाले पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपका जो भी सवाल रहेगा टाइप करना, क्वेश्चन उसका रिप्लाई करूंगा मैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो हिल्टी मशीन दिखाई दे रहा है। ये वाला मेरा पुराना वाला है जो कि काफ़ी साल तक चला, और ये भी जो है दोस्तों दोनों चाइना ही है, ये भी चाइना है ये भी चाइना है। तो ये पुराना वाला काफ़ी लंबे समय तक चला मेरे साथ ही, ये कम से कम इसको मैं 5 साल से ऊपर चला चुका हूँ और बहुत साइड इससे फाइनल हुआ है। उसके बाद ये वाला दोस्तों ये नया वाला है और ये भी चाइना वाला ही है, ठीक है। तो अभी इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा कि इसका स्पीड कैसा है और कैसे ये तोड़ता है। देखिए दोस्तों ये मशीन है, इसमें मैं सप्लाई ऑन कर दिया हूँ, पावर है इसमें। ये देखिए इस तरह से पुश करेंगे तो ये निकल जाता है, ठीक है। ये देखिए ये वाल को होल करने के लिए है, अगर मोटा दीवार है तो इससे होल करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हैंडल दिया हुआ है, ठीक है। हैंडल को पकड़ के आप इस तरह से चला सकते हैं और हैंडल को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इसको मैं निकाल भी दूंगा बाद में। और यहाँ पे देखिए ये रबर होता है दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम तक ये चलता है तो ये गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह इसको पकड़ के आप चला सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे ये लॉक होता है इसका, अगर ग्रीसिंग करना है खोल के तो ये लॉक निकाल के ग्रीसिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ से ये खुल जाता है, यहाँ से खुलता है ये। अभी ये टाइट है, खुलेगा नहीं, मैं पाइपरिंग से इसको टाइट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लोगो है, इन लोगों का BOWS बॉस लिखा है, जो कि चाइना वाला है। 900 वाट की मशीन है ये, ठीक है। ये देखिए 900 वाट का ये भी है और 900 वाट का पुराना वाला भी था दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है, और इसका कार्बन इसके अंदर लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जब खोलेंगे ये दोनों स्क्रू तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से दिखाई भी दे रहा है कार्बन, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए लॉक करने वाला दिया हुआ है, इस तरह से ऑन करेंगे। ये देखिए, चलिए मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इसके अंदर का जो पिस्टन है दोस्तों, जो पंपिंग कर रहा है ऊपर नीचे, वो भी काफी अच्छा पंपिंग कर रहा है। और ये है दोस्तों लॉक करने के लिए, ये देखिए इसको मैं इस तरह से ऑन किया, इस तरह से एक बार पुश करके इसको दबा देंगे साथ ही, तो ये लॉक हो जाएगा। फिर इसको स्विच को दोबारा दबाएंगे तो ये हट जाता है, लॉक इसका हट जाता है। और इसका जो प्राइस है दोस्तों, मैं ये इसको ले आया हूँ 3800 रुपये का, ठीक है। 3800 रुपये का है ये, जो कि काफ़ी सस्ता है। अगर आपको ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं लोकल वाला, ज़्यादा पैसा फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बराबर ज़्यादा काम रहता है, लंबा साइड है अगर आपका, तो बोस वगैरह का ले सकते हैं, जो कि काफ़ी महंगा होता है। वो लगभग आएगा आपको 14000 रुपये का आएगा बॉस वाला, ठीक है। और ये चाइना वाला है, तो अगर आपको छोटा साइड फाइनल करना है तो ये आपके लिए सही रहेगा। तो अब दोस्तों इसको मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि ये कैसे तोड़ता है। ये देखिए इसको इस तरह से पुश किया, देखिए लग गया, ये इसका बीट है। और अभी यहाँ पे मैं इससे होल करूँगा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे होल हो गया है, ठीक है। इस जो है हिल्टी मशीन से काफ़ी कम टाइम में होल हुआ है, तो दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है ये, आपने देखा है। अभी मैं होल करके दिखाया हूँ, और जो है
और जो है दोस्तों ये बजट फ्रेंडली है, कम बजट में आपको मिल जाएगा, 3800 रुपये का है ये, ठीक है। और आपके एरिया में कहीं पे 4000 या 4500 रुपये का भी मिलता है, कई रेंज का आता है, क्योंकि लोकल है, चाइना है दोस्तों, इसका कोई रेट नहीं होता है। तो अगर आपको ज़्यादा काम नहीं होता है, छोटा साइट होता है, तो आप इसको ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा लंबा काम रहता है तो फिर आपको बॉस का ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये ईंट का दीवार है, तो हम ईंट के दीवार में इसको टेस्टिंग करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ भी होल हो गया है, काफी कम टाइम में ये होल कर रहा है। उसके बाद अभी इधर भी होल करना है, तो यहाँ भी टेस्ट करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ भी होल हो गया, ये देखिए मस्त होल कर रहा है ये चाइना मशीन, 3800 रुपए वाला, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, बजट फ्रेंडली है, कम पैसे में मिल जा रहा है ये, और अगर आपको ज्यादा काम नहीं है तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में, बस मुझे ये हिल्टी मशीन का रिव्यू करना था, आपको दिखाना था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।